तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ और अपने साथ है अपने आदि भाई और उनकी एक छोटी सी फैमिली, अपनी भी है फैमिली। तो चलते हैं और भाई ट्रेन जा रहे हैं क्योंकि सबके साथ में चेकिंग तो पॉसिबल नहीं है और हेयर कट कराया है पंजाब में, बड़ा बेकार सा कर दिया है क्योंकि मुझे गर्मी वाली प्लेस में जाना था। तो मैंने बोला हेयर कट कटा लेता हूँ, पर उसने इतना बेकार से कर लिया है, मूड ख़राब हो गया। और ये देखिए आदि की मम्मी, आदि के पापा जाएंगे इस ऑटो से शायद, और चलते हैं। आदि हेलो बोलो, हेलो। और ये देखिए इधर से स्टेशन जाता है और ये है पूरा लुधियाना का व्यू कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। अभी बहुत ही कम व्हीकल्स चल रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग हो रहा है 7। चलिए एंटर करते हैं अंदर। चलिए पहले आदि भाई ले लीजिए। आदि भाई इसमें बैठ चुके हैं और बैठता हूँ मैं भी। कम ऑन, कम ऑन, चलो हम बाहर से। तो अभी पहुँच चुके हैं स्टेशन के बाहर, ऑटो से उतर चुका हूँ और चलता हूँ अंदर की तरफ, देखता हूँ आज लुधियाना का स्टेशन कैसा है। पहले देख चुका हूँ पर अब कुछ टाइम बाद ही देख रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा है। तो लुधियाना रेलवे स्टेशन आ गया, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। देखिए ये है लुधियाना का रेलवे स्टेशन, यहाँ भी लगा हुआ है नेशनल फ्लैग जैसा कि हर जगह लगा होता है। और ये पूरा अपना आदि बोल रहे हैं जाना कि आदि को कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है, देखो कैसे पनीर ले रहा है कोल्ड ड्रिंक। आयो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन दूध नहीं पी रहा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, देखना गिरा होगा तेरा कपड़े ना खराब हो जाए। रिएक्शन देखिए और बिना इसको बोतल छीन रहा है सब गिरा दिया बाहर। तो अभी ट्रेन पहुंची है मोहाली और बहुत ही लेट होकर के चल रही है, जो एग्जैक्ट टाइम है उसी टाइम पे। ये नहीं कि जल्दी पहुंच गए हो, अगर अगले स्टेशन तो जल्दी पहुंचा दो यार, 2 घंटे वैसे ज़्यादा हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये चेकिंग करके जाता तो मैं इससे जल्दी पहुँच जाता। अरे देखिए ये ट्रेन है चंडीगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस रुकी हुई है और ये मोहाली है, मोहाली स्टेशन। हाँ काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है यार, इतना अच्छा स्टेशन, पंजाब है, पंजाब में सब कुछ साफ़ सुथरा है। तो देखते, अभी मैं बाहर आया हुआ था क्योंकि अंदर बैठे बैठे ये ट्रेन जो है ये उल्टा साइड चल रही, मतलब मैं इस साइड बैठा हूँ ना इस साइड, तो ये उल्टा साइड चल रही तो सिर दर्द होने लगा, हेडेक होने लगा बहुत तेज, क्योंकि उल्टा साइड चलती है तो सिर भारी भारी सा लगने लगता, तो वही मेरे साथ भी हो रहा है। और
यार बाल बहुत ही बेकार लग रहे हैं मुझे, फालतू में इसमें काट दिया है। अब देखो कितने दिन में निकलते हैं, गर्मी में सही हैं पर देखते हैं कितने दिन में निकलते हैं बाल। पहुंच गए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और कुछ इस टाइप का ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे एक पुराना इंजन का डिब्बा खड़ा हुआ है, इंजन खड़ा हुआ है पुराना। तो अभी पहुंच चुका हूं चंडीगढ़ के मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार नहीं चंडीगढ़, और अपने भाई के साथ आए हुए हैं, आदि भाई के साथ में, और बस से आया हुआ हूं। बस गवर्नमेंट बस सही रहती है। तो अभी आ गए हैं और भूख लगी हुई है सुबह से, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है। तो पीते हैं क्या, एनर्जी ड्रिंक गन्ने का जूस। देखिए सामने से बिल्कुल प्योर गन्ने का जूस निकल रहा है और पीते हैं। मैं तो यही पीता हूँ, एनर्जी ड्रिंक अपने लिए यही है, जूस उस बाकी तो है ही, पर गन्ने का जूस सबसे बेस्ट है, सबसे सही रहता है। तो पीते हैं अभी इसको। दादा आदि, दादा आदि, दादा कैसे हो? कैसे हो भाई? तो आ चुका है अपने गन्ने का जूस, और तीन ही है, आदि के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा आदि पहले पिएगा ये। कैसा है? इसके मूंछे बन गए। पीता हूँ मैं जूस, देखता हूँ कैसा टेस्ट है यहाँ के जूस का। मीठा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, मीठा ज़्यादा हो रहा है और शायद इन्होंने नमक नहीं डाला है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, देखिए इधर से सीधे गई हुई है, देन उधर से फिर वापस आ करके वो उधर लगी हुई है, पूरी 2 किलोमीटर की लाइन है। तो अभी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँचने में लगा है आधे घंटे के ऊपर, और आदि भाई तो अपने सो गए, आए थे मंदिर में दर्शन करने पर अब सो चुके हैं, और मैं लगा हुआ हूँ, अभी 1 घंटा और लगेगा। देखिए पूरी आगे की ये पूरी राउंड राउंड लाइन है, बहुत ही लंबी है। छोटा पुलिस वाला जो नाबालिग, कौन सी पंजाब सरकार में नाबालिग को पुलिस से भर्ती कर लिया गया है, वो जा रहा है। बस यहीं तक एंटर हो सकता है, इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, फोन भी अलाउड नहीं है फोटो वोटो खींचना, और बहुत ज़्यादा नीचे ये छत गर्म है, बहुत जल रहा है पैर, जल्दी से नीचे जाते हैं। और यहाँ पर धूप ऊप जल रही है, इधर सब प्रसाद चढ़ा रहे हैं क्योंकि अंदर इतनी एंट्री नहीं हो पा रही है, और एक तरीके से एयर पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, देखिए है। पैर पूरा फोटो खींचना यहाँ भी मना है, तो कृपया करके कैमरे को अंदर रखना पड़ेगा। और ये देखिए ये गेट, बस यहीं तक की एंट्री हो सकती है,
तब कैमरा जाएगा पॉकेट में। यहीं से देख लीजिए, नहीं दिख रहा। तो अभी बैठा हुआ हूँ आकर के मनसा देवी मंदिर के गार्डन में। गार्डन क्या है एक तरीके से, ये देखिए इस टाइप का ये गार्डन है। यहीं बैठा हुआ हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ, भूख लगी है, कुछ खाया पिया है। अभी बाहर चलते हैं, बाहर कुछ खाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी अपनी ट्रेन है शाम की, तो शाम तक की यहीं टाइम पास करना है इधर उधर कहीं भी। और फिर शाम को जाएंगे बाहर के लिए। और अपने आदि भाई खेल रहे हैं इधर। आदि भाई, आदि आदि, ये देखिए इधर आया आदि भाई। यहीं बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ यहीं पे। अब फिर थोड़ी देर में चलेंगे जहाँ भी जाना है। तो अभी आ चुका हूँ मंदिर से बाहर और अब जाता हूँ, कुछ देखते हैं, खाते वाते हैं। भूख वूख लगी क्योंकि मॉर्निंग से इतना कुछ खाया नहीं है, तो भूख लगाई है। और क्योंकि दर्शन में टाइम लग गया, मंदिर में लाइन बहुत ही लंबी लगी थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 1-2 किलोमीटर की पूरी 2 से 3 घंटे लगे लाइन में ही, तब जा कर के ऊपर पहुँच पाए हैं। और अब खाते पीते हैं और ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, तो खाना वाना खा करके निकलते हैं स्टेशन पे, चंडीगढ़ स्टेशन, फिर से वापस से लुधियाना। तो अब चलते हैं पहले वहाँ पर। तो अभी आ चुके हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। और देखते हैं क्या ऑर्डर होता है, जो भी ऑर्डर होगा खाते और मिला। मेनू इधर से उल्टा है और आदि के डैडी जो है ऑर्डर कर रहे हैं, आदि इधर बैठ करके मज़े कर रहे हैं। मैं देखता हूँ क्या आता है वही खाता। और यही है रेस्टोरेंट, और ये अपने भाई हैं। बहुत तेज भूख लगी है, पर ये लोग मेन्यू सेलेक्ट करने वाले ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं 1 घंटे से। भैया जी अपने ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं ऑर्डर करने में, भूख लगी है बहुत तेज। अभी तो समोसे ऑर्डर किए और देखते हैं खाने में थाली क्या मिलता है, क्योंकि स्नैक्स बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के। पहले थोड़ा स्नैक्स आते हैं, जब तक कि थाली बनती है तब तक ही वेट करते हैं, क्योंकि भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। और आदि भाई अपने बैठ के मज़े कर रहे हैं, उनको चेयर मिल गई अच्छी सी ना। तो समोसा बहुत ही टेस्टी था, इतनी तेज़ भूख लगी थी कि भूल गया मैं समोसा दिखाना, और इसी में आया था, फिनिश हो गया है, लोग खा रहे हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। बहुत अच्छा था, पर टेस्टी था इतना, ऐसा समोसा मैंने शायद कहीं खाया हो, बहुत ही टेस्टी था। मतलब आलू भी छिली हुई थी, बहुत ही प्यारा था, मज़ा आ गया खा करके। और अब देखते हैं थाली आ रही है अपनी, कितनी देर में आती है। तो ये अपनी स्पेशल थाली आ चुकी है, ये क्या कहते हैं आपका, दाल मखनी, शाही पनीर, रायता, एक बटर नान, 2 बटर रोटी और एक खीर की जगह ये रसगुल्ला दिया छोटा सा, और सैलेड। तो वापस से आ गए स्टेशन पे और यहीं से अपनी है ट्रेन वापस लुधियाना के लिए, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो करते हैं एंटर अंदर और देखते हैं अपनी ट्रेन कितनी लेट है अभी। तो पहुंच गया हूँ सीट पे और ये अपनी सीट है चेयर कार। अपने आदि भाई इधर बैठे हुए हैं, इधर सामने 3 सीटें हैं। देखता हूँ ट्रेन इस तरफ चलती है या इस तरफ चलती है, इस तरफ चलेगी तो फिर से सीट दर्द होगा, इधर चलेगी तो सही रहेगा। तो पहले वेट करता हूँ ट्रेन चलने का। और वापस से आ गया लुधियाना स्टेशन और अब जा रहे हैं घर के लिए। और चलते हैं घर पे, नहाते हैं क्योंकि आंधी जैसी आ गई थी तो पूरा सब गंदा गंदा सा हो गया है। तो वहाँ चल करके नहाते हैं, फिर थोड़ी देर मिलते हैं, पहले आपको रास्ते में मिलेंगे ही, पहले चल करके बाहर निकलते हैं। पहले स्टेशन आपको स्टेशन भी दिखाता हूँ कैसा है।
तो बहुत ज़्यादा तेज आंधी चल रही है और बारिश होने की भी संभावना है, मतलब बारिश भी हो सकती है। अभी हो रही थी और आंधी भी चल रही थी बहुत तेज रास्ते में। ये देखिए पेड़ पूरे हिल रहे हैं, तो बहुत तेज है। और अपना नेशनल फ्लैग देखिए कितनी तेज़ी से हवा में, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऊपर है। और इधर खड़ा हुआ है ये, पता नहीं क्या है, ये वो है शायद, हाँ रोड रोलर रोड बनाने वाला। ये देखिए हाँ यही है, रोड रोलर है कितना कलरफुल है। तो बारिश होने वाली है, जल्दी जल्दी से चलते हैं घर की तरफ, वरना बारिश होगी अपने पास कुछ है भी नहीं वाटरप्रूफ वाला, चलते हैं, छाता भी नहीं है, जल्दी से आए। जल्दी से चलते हैं क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, तो भीगने से अच्छा है जल्दी से निकलते हैं यहाँ से।